हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैन विद चेतन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गोवावी अटैक के बारे में। इस अटैक में हम गोलेम, वल्करी और विजर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो ये अटैक हम कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कुछ इस टाइप का बेस है, थोड़ा एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ट्रायंगुलर, ऑल ऑफ यू। रेक्टेंगुलर और थोड़ा खुला खुला बेस है। तो इस पे हमने गोवा भी अटैक किया है। तो चलिए देखते हैं रिप्ले में। तो सबसे पहले हमने लिए है 2 आर्चर, 4 वॉल ब्रेकर, 13 विजर्ड, 16 वल्करीज, 2 एक गोलेम, 1 सीसी में गोलेम, 4 अर्थक्वेक, 2 हील, 1 रेज और किंग एंड क्वीन। तो सबसे पहले हमने 4 अर्थक्वेक डाली यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे हम अर्थक्वेक डालेंगे तो क्या होगा कि पूरी की पूरी दीवारें खुल जाएंगी। एक दो मतलब ये पूरी की पूरी जो साइड वॉल्स है, पूरी की पूरी एयर डिफेंस की साइड की वॉल है, पूरी की पूरी खुल जाएंगी, जिसकी वजह से हमें अटैक करने में आसानी होगी और इजीली जो एक्सबो है वो गोलेम पे टारगेट होगा और पूरे के पूरे जो डिफेंस है वो भी गोलेम पे टारगेट होंगे, जिस वजह से हम उस गोलेम के पीछे से विजर्ड्स और उसके पीछे वॉल ब्रेकर डालकर ये दीवार को ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद हम जब ये पूरे आउटसाइड स्ट्रक्चर है वो पूरे पूरे डिस्ट्रॉय होने के बाद हम पीछे से वल्करीज डालेंगे कि वो एक डायरेक्शन में जाए। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा अटैक सक्सेसफुल होगा। और रेज कब यूज करना है इसमें, कि जब हमारी वल्करीज टाउन हॉल के पास हो तभी हमें रेज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्या होगा कि हमारा टाउन हॉल, अपोनेंट का टाउन हॉल जल्दी डिस्ट्रॉय होगा और उस वजह से वल्करी बहुत जल्दी ट्रैवल होंगी। रेज का काम है कि उनको उनकी एबिलिटी बढ़ाना और उसका डैमेज बढ़ाने का काम ये करती है। तो इसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है, इस वजह से पूरा इजीली हम किसी भी बेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए रिप्ले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने 4 अर्थ 1 एयर डिफेंस पे डाली, उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी 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 की पूरी दीवारें खुल गई। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने बराबर स्पेल डाली, इस वजह से पूरी की पूरी दीवारें खुल गई और पीछे से गोलेम डाल दिया और पूरे के पूरे विजर्ड्स, एक 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 बिल्डिंग पे एक एक विजर्ड डाल दिया। और जब गोलेम डाल दिया उसके बाद हमने 2 वॉल ब्रेकर्स डाल दिए, उसके बाद किंग ड्रॉप किया और क्वीन ड्रॉप की, उसके बाद पूरी की पूरी वर्कलिस हमने अंदर अंदर जाने के लिए छोड़ दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो वल्करी सीधी अंदर आई और उस पर हमने हील स्पेल डाल दिया। देखिए, इस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रेज स्पेल कहाँ डाला है, टाउन हॉल के बिल्कुल बगल में डाला है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वल्करीज अपना काम जल्दी से निपटा के अदर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। तो चलिए देखिए, हमारा अपोनेंट का टाउन हॉल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और इधर से कुछ वल्कीरिया भटक गई है और इधर हमने एक और हिल स्पेल डाल दी। हमारे गोलेम बचे हुए, जिसकी वजह से वो एक्सबो एक गोलेम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से बाकी की वल्करीज इजीली वो अटैक ख़त्म करने का काम करती है। वल्करी एक साथ 2 बिल्डिंग को अटैक करने का काम करती है, कि वो 2 बिल्डिंग के बीच में जाके अपनी कुलाड़ी चलाती रहती है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोलेम अपना ये कर रहा है, सिर्फ हेल्थ डैमेज अपना अपने ऊपर डैमेज ले रहा है, जिसकी वजह से अदर ट्रूप्स उस डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। कुछ वेलकरी इस साइड पे आ चुकी है, जिसकी वजह से आर्चर टावर और विजर्ड टावर भी डिस्ट्रॉय होगा। और इधर सिर्फ अब यहाँ पे एक आर्चर टावर, एक कैनन बची है, वो भी गोलेम पे जा रही है। तो इस वजह से हम हमारी 2 वल्करीज और क्वीन ने अभी कैनन को ख़त्म कर दिया है और अब यहाँ पे एक सिर्फ आर्चर टावर बचा है। गोलेम का भी डैमेज अच्छा होता है, इस वजह से गोलेम ने भी इजीली ये आर्चर टावर को ए कर दिया, जिसकी वजह से अब डिफेंसेस में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जो आउटसाइड कलेक्टर्स और ये बचे हैं, ट्रैप बरैक डार्क बरैक बचा था, वो भी इजीली हमने ख़त्म किया। तो देखिए, ये था गोवावी अटैक। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, कि हमने इस आर्मी में हमने 1 गोलेम 13 विजर्ड 4 वॉल ब्रेकर, 1 किंग क्वीन 16 वल्करीज, 2 आर्चर, 4 अर्थ, 2 हील, 1 क्रेज, 1 सीसी में
गोलेम चौथे लेवल का। हम ऐसे गोवा भी अटैक सक्सेसफुल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक अगला वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हमने गोवा भी अटैक सेम किया है। तो चलिए देखते हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड रिप्ले में। देखिए इसमें भी थोड़ा ए बी बेस वैसा ही है रेक्टेंगुलर, तो इसमें भी हमने क्या किया कि इस बेस में भी सेम हमने चार अर्थ वही वही ट्रूप सेम आर्मी ली है हमने भी। और इस वीडियो को चलिए आप देखिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा कि ये आप वीडियो सिर्फ देखते रहिए कैसे हमने इस वीडियो में अटैक किया है। आपको देखा आर्मी में भी हमने ये आर्मी में भी